आप जब भी टॉयलेट सीट लगाते हो तो EWC हो गया, स्कोर हो गया, राउंड हो गया, आपको सिस्टम लगाने की उसके ऊपर ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम अपन इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छी तरह से सीट में वो फ्लैश हो जाए। नमस्कार, मैं हेमराज मेनारिया, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा लाड़ प्यार मिल रहा है, आशा करूँगा आगे भी इसी प्रकार का लाड़ प्यार आपका मुझ पर बना रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल के प्रति आपको जब भी कुछ जानकारी होना तो इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहती है, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मेरे सामने दो प्रकार की सिस्टम आपको नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं आप, दोनों ब्रांड है। नाम सुना होगा, नाम इस नाम से वाकिफ होंगे, प्लास्टो और दूसरा है सोमानी। डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ उसके अंदर क्या आता है फिटिंग में और ये कितने लीटर का आता है, कितने कलर में आते हैं आज, इसकी पूरी जानकारी क्या रेट आता है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ये खड़ी जब टॉयलेट सी लगती है उस पर भी लगता है, और जो अपन बोलते हैं उड़ीसा पान बोलते हैं या फिर सिटी पान बोलते हैं या फिर WC अपन बोलते हैं उसके ऊपर भी ये लगते हैं। अब ये लगाना क्यों ज़रूरी है, देखो मैं आपको बता दूँ, जब WC या फिर खड़ी सीट अपन लगाते हैं, EWC आ गया या फिर यूरोपियन आ गया, इसके ऊपर अपन क्यों लगाते हैं WC? जब बाथरूम आपने बनाया, टॉयलेट बनाया आपने, तो उसकी छत पर अपन जब पानी का टैंक रखते हैं, अगर उसकी हाइट ज़्यादा नहीं हुई तो पानी क्या फ्लैश स्पीड से नहीं आता है, तो फिर आपका WC हुआ या फिर टॉयलेट खड़ी हुई सीट हुई तो वो अच्छी तरह से फ्लैश नहीं हो पाती, इसके लिए अपन इसको लगाते हैं। अगर आपकी जो पानी का टैंक है वो 2 मंजिल 3 मंजिल पर अगर हैं तो आप डायरेक्ट कनेक्शन EWC हो या WC हो उसके अंदर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से फ्लैश होगा। मेरे सीधे शब्दों का कहने का अर्थ ये है, अगर आपका जहाँ पानी प्रेशर से नहीं आता है वहाँ आप इसकी ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, और ये लगाना ही पड़ता है, अगर आपने नहीं लगाया तो फ्लैश सही तरीके से होगा नहीं, मेन कारण ये। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें भी देखिए अलग अलग प्रकार आते हैं, ब्रांड आते हैं, नॉन ब्रांड आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। रेड में भी ब्रांड नॉन ब्रांड डिफरेंस ऑलरेडी आएगा, क्योंकि ब्रांड और नॉन ब्रांड में फ़र्क रहता है। सबसे पहले देखिए मैं आपको प्लास्टो के बारे में बताऊँ, प्लास्टो में आपको सभी प्रकार की पाइप कैसे सिर्फ मिलती हैं, सब प्रकार के प्रोडक्ट हैं इसमें प्लास्टो में आते हैं। तो सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ, ये मल्टी कलर है। देखिए अब इसके अंदर ये फ्लैट है, देख सकते हैं आप, इसका जो शेप बना है देख सकते हैं आप, फ्लैट में है, देख सकते हैं दीवार की चिपक जाती हैं, पीछे इसके दो स्क्रू लगाने की दो जगह पॉइंट दे रखे हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, टाइल्स में आपने ड्रिल मशीन से स्क्रू की और आराम से आप दीवार पर इसे लगा सकते हैं। ये कंसील नहीं होती हैं, ये बाहर लगती हैं। वालंग पर आपने देखा होगा हमेशा कंसील रहता है, जैसा मेरे पीछे आपको देख रहा होगा, ये इस तरह वालंग में कंसील्ड होता है। अगर वालंग का आपने लगाए तो इस प्रकार की कंडीशन कंसील्ड आपकी सिस्टम अंदर रही और बाहर सिर्फ पुश के लिए आपको बटन देखने को मिलेंगे। जो आज अपन ये बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर क्या क्या एसेसरी आती हैं, बहुत से कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत से कस्टमर की एक नॉर्मल रहता है कि सर इसके अंदर पाइप नहीं है, फिर वाइसर नहीं आए। इसके अंदर देखिए सब फिटिंग जो इसकी आती है नॉर्मली सभी इसके अंदर आती है, हो सकता है कभी कंपनी के हिसाब से अगर नहीं रखी वो बात अलग है, बाकी 99% सभी ऐसे इसके अंदर आती हैं। आप इसको बॉक्स को खोलते हो ना तो आप ध्यान रखिए कहीं गिर ना जाएं, नहीं गिरने की वजह से आपको मिलता नहीं। देखिए सबसे पहले तो मैं अंदर का जो सिस्टम है वो बताता हूँ आपको। फ्लश आप देख सकते हैं यहाँ से जो वन पीस में सिस्टम आता है उसी प्रकार का सिस्टम इसके अंदर वन पीस है जैसा सिस्टम इसके अंदर भी देख सकते हैं। फ्लश के नीचे आप देख सकते हैं दो बड़ी बड़ी जो डंडियां हैं दोनों, ये फ्लश के लिए देख सकते हैं आप इस प्रकार वर्क करती हैं ये। अपन अंदर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार का पाइप आता है, एक सीधा पाइप आता है ये और एक आता है बेंड वाला, ये बेंड वाला। अब ये कैसा लगता है ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार ये लगता है और जो पाइप है इसके साथ ये जॉइंट हो सकता है। इसकी हाइट के हिसाब से इसको पाइप को यूज़ करते हैं अपन, कम ज़्यादा इसकी हाइट हो सकती है, देख सकते हैं आप लगता है ओरिजिनल ये इस प्रकार से है। लेंथ के हिसाब से इसके पाइप को आप ज़्यादा भी ले सक बढ़ा भी सकते हैं, उसको अपन कटिंग करके अगर आपको कम मिल रहा है तो उसको कम भी कर सकते हैं। आप इसके नीचे देख सकते हैं ये कनेक्शन पाइप का यहाँ पॉइंट है, यहाँ से पानी इस सिस्टम में भरता है, यहाँ पे कनेक्शन पाइप लगती है,
इलेक्शन पर आप 2.5 फीट के 2 फीट के आपकी साइज के हिसाब से लगा सकते हैं, आपकी दूरी कितनी है सीट से इसके अंदर से, और अंदर को आप और क्या एक्सेसरी देख सकते हैं। अंदर जो आपको मिलने वाला है एक बड़ा रबर है और स्क्रू है, जो पीछे जो मैंने बताए हैं ये इसके स्क्रू साथ में आते हैं, ये देख सकते हैं इसके अंदर। और ये रबर है जो WC के पास में लगता है, जो पानी लीकेज नहीं होने देता है ये रबर। अमूमन ये रबर बहुत सी जगह पे मैंने नहीं लगे हुए देखे हैं, इस कारण से पानी लीकेज होता है और धीरे धीरे वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इस प्रकार का रबर का उपयोग करें, क्योंकि बाथरूम में आपको पानी बार बार न टपके इसलिए। पंप आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है उसके अंदर, बात करते हैं प्लास्टो टैंक की। ये जो मैंने आपको बताया ये फ्लैट है, इसमें इससे थोड़ा बड़ा भी सिस्टम आता है। रेट की बात करें तो ये आपको 1500 से 1800 रुपए की रेंज में आसानी से किसी भी शॉप पर उपलब्ध मिलेगा। दूसरा आप देख सकते हैं सोमानी, ये मेरे पास सोमानी है। सोमानी का सीपी फिटिंग का, जैसा को आप देख रहे होंगे सीपी और सैनिटरी दोनों का काम मैं करता हूँ यहाँ पे। तो आज सोमानी का आप सिस्टम के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। लगती जैसा मैंने बता दिया कहाँ लगता है, किस लिए लगता है, किस विशेषता। अब ये इसका जो सेप है वो प्लास्टर से थोड़ा अलग है, देख सकते हैं इस प्रकार। जो प्लास्टो के जो कनेक्शन पाइप जो लगती थी इसके उसके नीचे से लगती थी, इसके यहाँ से लगेगी। फ्लश करने के लिए उसको ऊपर था, इससे यहाँ ये बटन दे रखा है, यहाँ से ये फ्लश होगा उसके अंदर। वो सभी देख सकते हैं सोमानी ब्रांड का ये, उसके अंदर वो सभी एसेसरी है जो मैंने आपको प्लास्टो के अंदर बताई। तो ये वाइट में, इसमें आईवेरी में भी आपको इसका कलर है ना, जो आईवेरी में भी आपको मिलेगा। ये अमूमन जैसा आपने शीट अगर वाइट है तो वाइट लगाओगे तो अच्छा दिखेगा देखने में आपको, हमेशा आप कॉन्सेप्ट ही लें, क्योंकि शीट अगर वाइट लगाई तो आप सिस्टम भी वाइट लगाने का प्रयास करें। इसमें आईवेरी भी आता है, ये WC या फिर आपने WC या फिर यूरोपियन अगर आपने आईवेरी लगाया तो इसके अंदर सिस्टम में आईवेरी भी मिलता है और वाइट भी मिलता है। वो आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लगाते हो। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। जो रेट मार्केट में मिलती आप लिंक से अगर खरीदोगे तो भी आपको इसी रेट में आपको ये आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छी ब्रांड है, दोनों अच्छे ब्रांड हैं, प्लास्टो और सोमानी। आपने नाम सुना होगा, हमेशा आप ब्रांड लेने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर मैंने कोई जानकारी बताई आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं आपको क्या जानकारी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं जो जानकारी अगर मैंने आपको बताई वो आपको नहीं समझ में आई तो आप ज़रूर कमेंट करके, आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन आने वाले अगले एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।